अब घबराने की कोई बात नहीं कि हमारे घर में गेस्ट कब आएंगे कब जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ना आपको टेंशन है ना हमें टेंशन है, क्योंकि एक आलू से एक प्याज से ढेरों सारे नाश्ता हम बना के रखेंगे। ऐसा नाश्ता बनाएंगे कि इनमें ना हमें सब्जी का जरूरत होगा ना ही चटनी का जरूरत होगा, बस एक कप चाय दे और नाश्ता दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक प्याज और एक आलू लिए हैं, तो जितना बड़ा आप प्याज लीजिएगा ना उतना ही बड़ा आप आलू लीजिएगा। ज्यादा बड़ा मत लीजिएगा, नहीं तो मतलब ढेर सारे पेस्ट हो जाएंगे। इनका पेस्ट बनाना है ना, तो चलिए यहाँ प्याज का हम छिलका उतार लिए। अब क्या करना है, इनका आलू का छिलका उतार लेंगे अच्छे से। यहाँ पर आलू को और प्याज को दोनों को छील लिए हैं। अब क्या करना है, इनको रफली कट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ तो बातें करते करते आप लोगों से मैं भूल ही गई कि कुछ बताना है, मतलब बातें करना है आप लोगों से, रिक्वेस्ट करना है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और हाँ, आज का रेसिपी तो आप लोग पक्का शेयर कीजिएगा। आज का रेसिपी है ही ऐसा मजेदार कि आप लोग रुकिएगा ही नहीं। और कैसे रुकिएगा, आप लोग हमारा परिवार जो है, इतना हमसे प्यार जो करते हैं, तो वीडियो को शेयर करना प्लीज ना भूलें। और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें बहुत मनोबल बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आलू और प्याज को कट करके हम इसमें ले लिए। अब इनमें लेंगे कुछ सामग्री। तो यहाँ पे लेंगे हम दो हरा मिर्च रफली तोड़ करके, आप अपने तीखा अनुसार ले लीजिएगा। और हाँ, प्याज लहसुन खाते हैं तो लीजिएगा, नहीं तो इनको स्किप कर दीजिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियां ले ले रहे हैं। यहाँ पे 1 इंच अदरक के टुकड़ा को हम कट करके ले लिए हैं। यहाँ पे हम ये आधा छोटा चम्मच के करीब साबुत जीरा ले लिए हैं। अब इनमें हम पानी नहीं लेंगे क्योंकि आलू और प्याज दोनों में पानी होता है, तो इनको हम पीस लेते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट को अच्छे से पीस लिए हैं। देखिए कुछ इस तरह से गाढ़ा है पेस्ट। अब पेस्ट पीसने के बाद थोड़ी सी हम साइड करते हैं। यहाँ पे हम 1 कप लेंगे। कप में हम लेंगे 1 कप सूजी। सूजी को हम 1 कप लेंगे। आपके फैमिली अगर गेस्ट ज्यादा है तो आप 2 कप भी ले सकते हैं। तो हम 1 कप सूजी लिए हैं। 1 कप सूजी में 1 चम्मच के करीब कम है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम इसी में मिला लेंगे। अब इस सूजी में हम लेंगे चुटकी भर हींग। चुटकी भर लेंगे हम काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पे लेंगे हम आधा छोटा चम्मच लेते हैं मसाले वाले चम्मच, तो उनसे हम आधा छोटा चम्मच ले रहे हैं। और अब हम लेंगे यहाँ पे कूटा हुआ लाल मिर्च, ये छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच भर के। आप चाहे तो इन्हें ले सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अजवाइन लेंगे आधा छोटा चम्मच। हम उससे पहले काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स हींग ले लिए। अब हम हथेली पे क्रश करके लेंगे अजवाइन। यहाँ पे लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच लेंगे हरा धनिया। सबको हम मिला लेते हैं इससे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से बातें करते करते आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करने की बारी आ गई है कि आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास बनने वाला है। आप लोग देखते ही शेयर कीजिएगा, एकदम अमेजिक बनने वाला है फ्रेंड्स। एकदम आसान तरीके से कुछ कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 कप पानी लिए हैं, 1 कप सूजी लिए हैं, तो 1 कप पानी ऐसे वजन में नापा जाए सूजी को, मतलब तौल में, तो शायद 120 ग्राम होंगे। थोड़ा बहुत कम बेस हो सकते हैं क्योंकि 1 चम्मच कम लिए थे ना, तो हम 1 कप पानी लिए हैं, तो वही हिसाब से हम चम्मच से भी पानी कम लेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा 1 कप पानी लेंगे और 2 चम्मच पानी हम अलग साइड में रख देते हैं। तो मेजरमेंट के सही रखिएगा, आपका नाश्ता बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और सही मेजरमेंट क्या है, इन्हें 5 मिनट के लिए ढक करके हम रख देंगे। फूलने के लिए 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो अब 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से सूजी फूल गए हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे हम एक पैन ले लिए हैं गैस ऑन करके। करीब 1 चम्मच के करीब तेल लेंगे हम। अब तेल क्यों लिए हैं ये भी हम बताएंगे आपको। अब हम गैस को यहाँ मीडियम ही रखेंगे। और तेल गर्म हो गए हैं तो अभी हम क्या करेंगे कि ले लेंगे हम बैटर को। अब तेल हम इसलिए लिए थे कि हमारा जो नाश्ता है एकदम खस्ता क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि इनको चलाने वाले हैं। छोड़ना नहीं है आपको, लगातार चलाते जाना है। ये बहुत आसानी से डो हमारा तैयार हो जाएंगे। डो तैयार करना हमें, तो डो को क्या करना है कि छोड़ना नहीं है, एकदम मीडियम गैस पे, हाई फ्लेम पे करेंगे तो हमारा डो
जल जाएगा, तो बस इनको चला करके अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पर चलाते रहना है, मात्र 2 से 3 मिनट में हमारा डो तैयार हो जाएंगे। और तेल डालने से एक तो चिपकेंगे नहीं, और दूसरा करारा खास्ता हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए इनको अच्छे से पकाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से हमारा डो बन रहा है, बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बस कुछ सेकंड, मतलब कुछ क्षण और हम इन्हें पकाएंगे। तो अब हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम पैन छोड़ने लगा है। तो गैस को कर देते हैं ऑफ। चलिए दूसरे बर्तन में इनको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं डो को एक बर्तन में, डो को थोड़ा फैला देंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे, ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे पूरी तरह से। तो ये हल्का ठंडा हुए हैं, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुए। तो अभी हम क्या करेंगे कि हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इन्हें मसल मसल के करीब अच्छे से 2 से 3 मिनट मसल लेंगे, ताकि एकदम डो हमारा तैयार हो जाए। इस तरह से ऐसे एकदम मसलना है आपको, मसल मसल करके चिकना डो बनाना है हमें बिल्कुल, तभी तो हमारी पूड़ियाँ गोल गोल फूली फूली बनेंगी। और ये बहुत आसान सा रेसिपी है फ्रेंड्स, इसी में हम टिप्स बताएंगे आपको कि क्या करना है जब गेस्ट आने वाले हो तो आपको क्या करना है, वो हम बताएंगे वीडियो में कि कैसे आप बना करके तैयारी करके रख सकते, ताकि हम गेस्ट जो गेस्ट आएंगे उनसे बातों भी कर ले, हमारे नाश्ता भी फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। और इनके साथ तो सबसे खुशी की बात है कि सारे मसाले तो हम इनमें ले लिए हैं, तो हमको अलग से कोई सब्जी और ये चटनी लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो चाय के साथ कुछ और ले सकते हैं, हम तो मना करेंगे कि चाय के साथ खट्टी चीज ना ले। यहाँ पर देखिए बातें करते करते अच्छे से इनका चिकना डो हम तैयार कर लिए। देखिए यहाँ पे एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा डो बनकर तैयार है। तो अभी फिलहाल हम एक पार्ट बता देते हैं आपको कि क्या करना है, आपको क्या करना है। ऐसे तो हम लोग नहीं रखते, कभी नहीं रखते फ्रिज में आटा, पर आप क्या कर सकते हैं आपके लिए बता रहे हैं, अगर जॉब में है, बाहर जा रहे हैं, टाइम नहीं है, उसके लिए आप फिलहाल क्या करें कि आधा डो को आप नाश्ता बनाए पूरी, और आधा डो आप इस तरह से डब्बे में, एयरटाइट डब्बे में रख दे इनको, और रख करके ढक करके अभी गरम गरम में आप फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा, आप बाहर ही रख दीजिएगा। आटा एकदम सॉफ्ट रहेगा आपका, देखिए कितना बढ़िया से है, हम अभी बंद नहीं किए हैं। और इस तरह से एक और हम टिप्स बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो डो तो हमारा तैयार हो गया है, अब चलिए इनको जरा बेलने की बारी आ गई। तो आप चाहे तो चकले पे या चॉपिंग बोर्ड पे बेल सकते हैं, थोड़ा सा तेल लगा दें ताकि चिपके ना यहाँ पे, हल्का सा। और अब हम एक इसका बड़ा डो ले लेंगे और इस तरह से गोल गोल, मतलब पेड़ा बना लेंगे इनको हम। देखिए इस तरह से थोड़ा सा थपथपा ले, बहुत आसानी से ये बेल जाते हैं। और अब हम हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे इनको एकदम इस तरह से, देखिए एकदम आराम आराम से ये बेल जाएंगे। यदि किनारे फटते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमें किनारे से क्या लेना देना। तो आपको हम इसका थिकनेस दिखा दे रहे हैं, देखिए इतना मोटा है। और आप देखिए आराम से इन्हें हथेली पर लेकर के भी इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या करना है इनके साथ, थोड़ी सी और पतला आप चाहे तो कर सकते हैं इस तरह से, देखिए थोड़ा और हम बेल दिए। और हाँ, अगर हमारे गेस्ट के साथ बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे के लिए भी तो कुछ अनोखी होना चाहिए, तो अनोखी के लिए देखिए यहाँ पे हम कटर लिए हैं। अब कटर से हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम भाई बच्चे के लिए तैयार करेंगे, तो बच्चे जो आ रहे हैं वो तो खुशी से झूम उठेंगे एकदम, इस तरह से कट करेंगे, फिर हम दूसरे जगह कट लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको रफली इस तरह से एकदम निकालेंगे, ताकि हमारा एकदम बच्चे के लिए स्टार एकदम बन करके तैयार हो जाए। देखिए वाह क्या बात है, देख रहे हैं इस तरह से एकदम बच्चे के लिए हमारा, क्योंकि भाई सबसे पहले तो हम लोग बच्चे के ही खातिर करेंगे, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इनको भी। ये तो हमारे बच्चे के लिए हो गए, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, तो ये बच्चे के लिए हो गए। अब आइए हम लोग अपने बड़े के लिए बनाते हैं। तो ये जो कटिंग है ना, इनको भी हम ले लेते हैं, थोड़ा सा इनमें से हम और लेंगे। और चलिए अब इनको हम अच्छे से फिर से गोल करेंगे, गोल करके राउंड राउंड करके, ज्यादा मतलब बार बार तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से बेल लेंगे, सेम उसी तरह से बेलेंगे हम। यहाँ पे एक रोटी और हम बड़ा सा बेल करके रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी ग्लास कटर कुछ भी हो घर में तो आप ले लीजिएगा एकदम। अब हम गोल गोल पूड़ियाँ कट करेंगे बहुत आसान तरीके से, देखिए इसी तरह से। आपको पूड़ियाँ का भी थिकनेस दिखा देते हैं, यहाँ से एक पूड़ी उठाए, आप चाहे तो इन्हें और पतला भी कर सकते हैं, हम तो इनको नहीं पतला करेंगे, जहाँ मोटे होंगे वहां पर एक बेलन चला देंगे हम। तो यहाँ पे हम रखते हैं निकाल निकाल करके इसी प्लेट में, जिस प्लेट में हम डो रखे थे ना उसी प्लेट में हम रखेंगे। देखिए
ये जो बीच का हम पुड़िया काटे ना, देखिए थोड़ा मोटे हैं, तो मोटे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हम इस पे बेलन चलाएंगे हल्के हाथ से। देखिए ये खुद ही शेप में आ गए, देख रहे हैं एकदम अच्छे से। इसी तरह से हम मोटे जो है ना उनको हम हल्का सा बेलन चलाएंगे। यहाँ पे सारे पुड़िया हम तल करके रेडी कर लिए हैं। अब बताइएगा कि मैम आप तो बताई थी कि टिप्स बताएंगे, तो बिल्कुल बताने वाले हैं। इसी डब्बे में हम देखिए, अगर हम बच्चे के लिए रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्टार काट लें, काट करके एकदम रेडी रखें। और पुड़िया भी हम दो चार इनमें रख ही लेते हैं, रख के बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि हम लोग के तो रखना नहीं है, गेस्ट भाई एकदम तुरंत आने वाले हैं। इस तरह से बंद करके रख दे। और हाँ, आधे घंटे में अगर आने वाले हैं तो आप इनको बिल्कुल फ्रिज में मत रखिएगा, और 3-4 घंटे बाद आएंगे तो इनको फ्रिज में रखिएगा। आराम से फ्रिज से आधे घंटे पहले निकाल दीजिएगा, इनको फ्राई करके दे सकते हैं, है ना आसान काम एकदम। तो कहिएगा ना, तो शेयर बनता है ना, लाइक बनता है ना। चलिए नहीं, अब तलते हैं। अब इस पुड़िया को तलना कैसे है, मतलब तेल में, तो तेल को यहाँ पे हम रखेंगे एकदम हाई फ्लेम, क्योंकि सारे चीज हमारे पके हुए हैं, तो टेंशन ही नहीं है कि अंदर कच्चा रह जाएंगे, पकेंगे नहीं। तो बस हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। तो एक पुड़िया हम तेल में ले लेते हैं और बस ये ऊपर आएंगे, सीखेंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो अभी नहीं टच करना है, इनको छूना नहीं है, थोड़ी देर बाद हम छुएंगे इनको। देखिए अभी हम थोड़ा देर बाद इनको छूते हैं, इस तरह से हाई फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। और इस तरह से उलट पुलट देंगे इनको, और ये देखिए खुद ही ये फूले फूले बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे फूली फूली हमारी पुड़िया बन रही है, और हम दूसरे तरफ पलट करके दिखा रहे हैं। और इसी में हम एक पुड़िया और डालेंगे इसी तरह से, लेकिन हाँ डालते ही आपको छूना नहीं है, प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे हम तेल से बाहर इनको निकाल लेते हैं पुड़िया को। ये देखिए कितना बढ़िया बने हैं। इसी तरह से सारे पुड़िया को हम छान लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरी पुड़िया भी हमारी फूली फूली बन रही है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया एकदम फूली फूली पुड़िया है। इस तरह से उलट पुलट करके हम सेकेंगे, इसी तरह से हम सारे पुड़िया को हम छान लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बने हैं। यहाँ पर तो हम बड़ों के लिए पुड़िया छान करके रेडी कर ही लिए हैं, एकदम फूली फूली करारी करारी। अब बच्चों की बारी है, तो आइए बच्चे वाले हम स्टार छान लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं सीधा तेल में। तेल में डालते ही थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, इनको टच मत कीजिएगा, ये अपने ही ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार को भी उलट पुलट करके आपको फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरह से ये खुदे फूले फूले बन रहे हैं। एक तैयार हो गया है, हम 101 पहले से ही हम तेल में डाल दिए हैं। देखिए कितना बढ़िया ही लग रहा है देखने में, वाह एकदम ब्यूटीफुल। चलिए इनको भी हम इसी प्लेट में ले लेते हैं। तो चलिए बच्चे और बड़ों के लिए हमारे यहाँ नाश्ता तैयार है फ्रेंड्स। और एक बात तो बता ही नहीं हम आप लोगों को, ये वाला नाश्ता तो आप बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं। यकीन मानिए आपका टिफिन कभी भरा नहीं आएगा, बिल्कुल फिनिश होकर के आएगा, तो देर किस बात का। चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। आप देखिए एकदम खास्ता करारी पूरी हमारा बन करके एकदम तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ ले लेते हैं एक प्लेट। अब प्लेट में हम पूड़िया को सर्व करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और हाँ बच्चे के लिए कहाँ छोड़ दे भाई, इनको भी हम इस तरह से सर्व कर लेते हैं, क्योंकि सबसे स्मार्ट तुम्हारे बच्चे हैं ना, तो उनको तो पहले ही सर्व कीजिए इस तरह से। और चलिए बच्चे के लिए हमारे पास टमाटो केचप है, उनको केचप बहुत पसंद पड़ता है, तो केचप के साथ सर्व करें। बच्चों बड़ों को देना है, इनके साथ आप अचार रख सकते हैं, घर में और कोई सब्जी है तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो चाय के साथ एकदम परफेक्ट आएगा। तो इन्हें सर्व करें और सबको एंजॉय करें, खाएं खिलाएं और अपना प्यार दुलार दीजिए। भाई क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और फटाफट सब्सक्राइब भी करना है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दुलार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।